कैसे आता है? दिखाने से। अरे वापस एक बार कैसे 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 आते हैं आपके रील्स के ऊपर? तुम वो कर रहे हो? हो गया कैसे ये तो नोरा जैसा हो गया। हाँ तो मैं नोरा से कम हूँ। एकदम हार्ड हो। हाँ भाई Okay, sir. So, what are your reaction on Big Boss and your close friend Rakhi Sawant is also there inside the house? What do you want to say? First of all, I'm a big fan of Big Boss, and I'm following Big Boss so well. And I know everyone when is playing their games, सब लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, but especially I love the game of Karan and Rakhi, because Rakhi का game मुझे अच्छा ही लगेगा, because वो मेरी अजीज हैं, मेरी दोस्त हैं, मेरी friend हैं, and मैं बहुत चाह रहा हूँ कि वो फटाफट से वापस आएँ और मैं बहुत सारे reels उनके साथ बनाऊँ, but yes, मैं इस बार चाहता हूँ कि वो जीत के आए शो, because she deserve it. Okay, so उमर रियाज की मैं बात करूँ तो हाल ही में वो निकल चुके हैं, उसके बाद 17 मिलियन ट्वीट्स आए जिसमें उनको एज अ विनर डिक्लेयर किया, सो उसके बारे में कुछ बता सकते हो आप? क्या बोलोगे? सिर्फ ये ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है एंड बिग बॉस का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। ऐसे तो बहुत बार ऐसा होता है कि विनर कोई और डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन विनर एक्चुअल में कोई और होता है। सो ऑडियंस का क्या है, लाइक आई एम नॉट अग्री विद दिस। ट्वीट्स आए हैं तो क्या हुआ, लेकिन हो सकता है बिग बॉस को वो ना अच्छे लग रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर। ओके सर, करण कुंद्रा एंड कहीं ना कहीं उनका गेम भी वीक ही लग रहा था मुझे, कोई इतना स्ट्रांग नहीं था। ओके सो करण कुंद्रा और राखी सावंत में किसको एज अ विनर देखते हो? राखी फॉर श्योर, शी इज माय फैमिली। ओके सो आपकी रील्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जिस तरह का प्यार आपको मिलता है तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जस्ट मैं अपना वर्कआउट उसमें डालता हूँ अच्छे से। आई गिव माई 100% टू ऑल माई रील्स, चाहे वो ग्लैमर हो, चाहे वो सिडक्शन हो, चाहे वो डांस हो। आई थिंक लोगों को इसलिए मेरे रील्स ज़्यादा पसंद आते हैं बिकॉज इट्स अ फुल पैकेज, चाहे वो ग्लैमर हो, डांसिंग हो, क्लोथ्स, कॉस्ट्यूम, मेकअप, एवरीथिंग मैटर्स। सो या आई थिंक दैट्स वाई आई एम गेटिंग सो मच ऑफ अटेंशन एंड लव। ओके सो लास्टली वर्क फ्रंट की मैं बात करूँ तो क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा? फिलहाल तो ये जो कोविड दोबारा से चला दिया है, फिलहाल तो वो चल रही है घटिया चाल, सो विच आई एम नॉट लाइकिंग इट। मैं अभी यहाँ पर शूट कर रहा था तो बीच में मेरा शूट बंद कर दिया गया, दे आर सेइंग कि कुछ कोई लोग आ रहे हैं वो मारेंगे, तो मैंने डंडे नहीं मुझे खाने थे यहाँ पर, सो मैं वहाँ से भाग गया। सम पुलिस वाला आर कमिंग आई थिंक आया। थैंक यू सो मच। शूट होने वाला था और शूट बंद हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड थिंग्स गोइंग ऑन। कैसे हो भाई आप? मैं बढ़िया ब्रो, आप कैसे हो? कैसे आपकी रील कैसे चल रही है?